hello students on your demand in this video we are going to solve complete new cbse sample paper uploaded by the cbse with complete guidelines with complete answer let's start the video okay students class 12 cbse sample paper biologism academy 2023 आपकी पहली स्लाइड आपके लिए ये रही जनरल इंस्ट्रक्शंस की एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ऑल द क्वेश्चन थर्टी थ्री क्वेश्चन क्वेश्चन कम कर दिए हैं थोड़े से हालांकि पहले भी इतने ही रहते थे सेक्शन ए हैज यहां से थोड़ी सी एडवांटेज मिलती हुई नजर आएगी आपको सेक्शन ए हैज सिक्सटीन क्वेश्चन हैं यहाँ पे आपके ठीक है ये चीज नोट कर लीजिएगा वन मार्क्स ईच है सेक्शन बी हैज फाइव क्वेश्चन टू मार्क्स ईच है हाईलाइटेड हैं सारे परेशानी नहीं होगी सेवन क्वेश्चन जो हैं वो सेक्शन सी में हैं आपके जिसमें तीन नंबर अवॉर्ड किए जाएंगे आपको थ्री मार्क्स सेक्शन डी हैज टू केस बेस्ड क्वेश्चन दो हैं फोर मार्क्स ईच हो गया ये ठीक है सेक्शन ई e जो है आपके पास में थ्री क्वेश्चन होंगे इंटरनल चॉइजेज हैं उसमें दोनों बार मतलब सारे क्वेश्चन में हैं तो परेशानी की बात नहीं है ओके

अगर आप नहीं बनाते तो हो सकता है आपके मार्क्स डिटेक्ट हो जाए आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड सेक्शन ए पहला क्वेश्चन है मैं बता भी चुका हूं प्रीवियस वीडियो में इसमें सारे क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के भी आपको आंसर मिलेंगे लॉन्ग आंसर के भी आप, आप न, सारे आंसर मिलेंगे आपको और ठीक है जितने भी उसमें ट्रिक्स और टिप्स हैं सारी मैंने बता के रखी हुई है वीडियो में सारी हाईलाइटेड है उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा

बिलो फोर कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड है उन्होंने मोड ऑफ एक्शन इनके पूछे हुए हैं तो सपोज कर लो कि मुझे क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं आता है क्वेश्चन तो कोई ना कोई एक ऐसी होगी जिसका आपको perfectly पता होगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ठीक है हालांकि है सिंपल मुझे पिल्स का बहुत अच्छे से पता है कि पिल्स जो होती है दे प्रिवेंट दूशन ठीक है वो एवल्यूशन होने नहीं देती है मुझे परफेक्टली इसका आंसर पता है बाकी मुझे नहीं पता फॉर एग्जाम्पल तो सी का सेकंड आपको जहां पे भी मिलेगा सी का सेकंड थर्ड है थर्ड है थर्ड है अब सिर्फ सी का सेकंड यहाँ पे दिया गया है बाकी यहाँ पे भी थर्ड दिया गया है क्लियर तो आपका ऑप्शन यहाँ पे परफेक्टली ये वाला बैठे जाएगा क्योंकि मुझे पता है कि पिल्स प्रिवेंट दूशन बात बाकी सारे मैच कर लीजिएगा सारे सही हो जाएंगे आपके तो इस तरीके से नीट में भी यही कोशिश करिएगा आप लोग और अपने क्वेश्चन पेपर में जब भी मैचिंग होगी तो उसमें सबसे पहले परफेक्ट मैच आपको जो बेहतर पता हो उसको जानने की कोशिश करिएगा आपकी मैचिंग आसान हो जाएगी फिर आपको सारे मैच करने की जरूरत नहीं है जैसे कि मैंने सी तो लगा दिया आपने ऑप्शन उसका ये ट्रिक है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कोर इसमें से कौन सा है रेसिड्यूज हैं एसिड के जो हिस्टोन कोर बनाते हैं हम सबको पता है, में 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 है of, किसका की बात कर दी गई है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आपको पता होगा कि जहां पे कॉमन सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं बट दे आर बिलोंग्स टू द डिफरेंट एंसेस्ट्री ठीक है ancestry, तो ऑप्शन मैंने पहले से ही हाईलाइट है फिर से रिवीजन हो जाएगा एपिस मेलीफेरा आर द किलर बीज टॉक्सिक बी बी विनम आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट एंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्ड फ्रॉम द गिवन टेबल ज़ाहिर सी बात है अगर कोई भी चीज़ हमें जहरीली काट लेती है चलो ये तो उन्होंने इसमें बताया है ठीक है हमारे एनसीआरटी में मैंशन में है कि परफॉर्म एंटीबॉडीज दी जाती हैं कोई भी क्वेश्चन हो चाहे वो कितना घुमाने की कोशिश करें बस आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ हमारे जो जहरीली होगी वो हमें काटेगी तो वहाँ परफॉर्मड एंटीबॉडीज दे दी जाती हैं ठीक है इंटरफेरेंस आर द मोस्ट इफेक्टिव नॉन इफेक्टेड सेल रेजिस्टेंट अगेंस्ट द स्प्रेड विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिसीज इन सो ज़ाहिर सी बात है इंटरफेरेंस कब सिक्रीट होते हैं जो इंटरफेर सिक्रीट होते हैं सिर्फ एक डिसीज में दैट इज मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे वायरसेस ठीक है जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है जो किसी भी ऑर्गन को या हमारे को वो इन्फेक्ट करेगा तो जहाँ की जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं से ताकि से है, हमारा अंदर का ये अपना एक सिस्टम है इम्यून सिस्टम है जो कि उसके लिए रेस्पॉन्स करता है इंटरफेर से मार सकते हैं वायरस को ओके तो एड्स में ऐसा होगा बाकी रेस्ट डिसीज आपकी वायरल डिसीजेज नहीं है गिवेन बेलो ए हायर कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर किसम सबसे ज़्यादा हायर कंसन्ट्रेशन है ऑर्गेनिक मैटर है आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट का तो उसमें से आंसर मिलता हुआ आपको नजर आएगा ठीक है तो लेवल ऑफ पोल्यूशन अगर हाई होगा तो लेवल वैल्यू ऑफ वी ओडी वेरेबली अपने आपसे बढ़ जाएगी जितना ज़्यादा पोल्यूशन उतनी ज़्यादा डिमांड हो जाती है हमारी बॉलोजिकल बॉलोजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारी बढ़ जाती है क्योंकि वो एरोविक बैक्टीरिया होते हैं उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं जब उसको ब्रेक करते तो ऑक्सीजन चाहते हैं तो ऑक्सीजन चाहेंगे उतने ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये ये अच्छा क्वेश्चन है और ये आएगा भी इस तरीके से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन नंबर एक नोट कर लीजिए आप लोग ये फिगर दिया गया है आपको ठीक है एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस पूछा है उन्होंने फॉर एन डीएनए वाज लाइगेटेड कहां पे लाइगेट किया गया तो बम एच1 के ऊपर लाइगेट किया है उन्होंने द ट्रांसफॉर्मेंट वर्थ दैन ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग द एंटीबायोटिक टेट्रा साइक्लिन है और एम्पलिसिन है जब जहाँ पे देखो यहाँ पे टेट्रा साइक्लिन की रेजिस्टेंस दिख रही है आपको जब ठीक है यहीं पर आपने अपना ठीक है जो आपका डी एन ए था आपने यहाँ पे आ करके इसको लाइगेट कर दिया यहाँ पे सपोज को लो ये डी एन ए उठाया और आपने यहाँ पे लाइगेट कर दिया ठीक है जब लाइगेट करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस चली जाएगी आपका ये जो डीएनए था यहाँ पे ये आकर के इन बिल्ड हो गया है तो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस चली गई जब इन्हीं बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में रखा जाएगा तो इनकी कोई भी ग्रोथ नहीं होने वाली क्योंकि इनके पास शील्ड तो है नहीं एम्पलिसिन में वो ग्रो कर जाएंगे क्योंकि उनके पास उसकी रेजिस्टेंस है ठीक है तो यहां पर आपका ऑप्शन बनेगा नो ग्रोथ एंड ग्रोथ एम्प्लिसिन में ग्रोथ होगी क्योंकि भाई उनके पास उसकी शील्ड है स्वाति वॉज ग्रोइंग अ बैक्टीरियल कॉलोनी न कल्चर फ्लास्क अंडर आइडियल लैब कंडीशन वेयर द रिसोर्सेज आर रिप्लानिज सबके सब रिप्लेनिज सब होते रहते हैं फॉलोविंग रिप्रेजेंट एन सी आर टी की डिफिनीशन है बल्कि ये वहाँ पर इक्वेशन भी दी गई है ठीक है पॉपुलेशन वाले में को तो सिस्टम वाले जो अपना यूनिट है पूरा डी एन अपॉन डी टी टू आर एन

तो यहाँ पे हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का डेट्रिटस होती है और हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है आपका ग्रेजिंग होता है क्लियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स टू कंजर्वेशन सोचना ही नहीं होता है सीड बैंक जहां देखिए सेट से लगा दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन टू सिक्सटीन Of two के बने हुए हैं ठीक है जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि रीजन आएंगे और आपको परेशान भी करेंगे थोड़ा, इसके लिए होना बहुत जरूरी है टॉपिक्स का ठीक है तो आपने प्रैक्टिस कर ली होगी और भी हो जाएगी मैं भी करवा दूंगा ठीक है असर्शन क्या कहता है कि एपोमिक्ट एम्ब्रिय जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू द पेरेंट सही बात है एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट द फर्टिलाईजेशन तो इसका ऑप्शन जो बना जा करके था ये है आपका ठीक है यहाँ पे जो ये वाला जो बन रहा है ये ये मैंने नीचे लिख भी दिया कि answer A है आप लोग स्क्रीन शॉट लेते रहिएगा जहां जहाँ पे जरूरत महसूस समझें क्योंकि आगे भी answers बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दी है असर्शन है आपका वेन वाइट आइड येलो बॉडी फीमेल्स वर हाइब्रिड विद्राउन प्रोजेनी वॉज इंटरक्रॉस जब एव वन को इंटरक्रॉस किया गया दू रेशियो

ठीक है जो आंसर है इसका ए है जब भी कोई जीन्स जो होते हैं यहां पे एक्सप्लेन करने का तो टाइम नहीं है लेकिन अपन को आ, आगे बढ़ना है एक्सप्लेन मैंने क्या हुआ आप वीडियो देख सकते हैं हमारा ठीक है असर्शन फंक्शनल आपका है फंक्शनल ए डी ए सी डी एन ए जींस मस्ट भी इंसर्टेड इन दिमफोसाइट एट सेल्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज आर मॉर्टल ठीक है डिफ्रेंशिएटेड एंड ईजी टू मैन्यूपलेट यहाँ पे एक ऑप्शन ये वाली बात तो सही है देखो बच्चों ठीक है लिम्फोसाइट्स स्टेज पे डाला जाए तो ठीक हो सकता है लेकिन यहाँ पे एक चीज यहाँ पे, के जितनी भी सेल्स होती, वो नहीं होती।, मरने वाली नहीं, वो होती है वो मॉर्टल ठीक है तो यह चीज यहाँ पे गलत हो गई तो है कि A is true, है? Is पूरी, पूरी टेबल बनाई है उन्होंने डिपेक्ट पॉपुलेशन लेफ्ट साइड और फीमेल साइड की इधर वाली है ठीक है राइट हैंड साइड न्यू बोर्न टू वार्ड एंड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द एज ग्रुप फ्रॉम बेस टू टॉप जा रहे हैं ऊपर से द ओल्डेस्ट पॉपुलेशन एट द टॉप सबसे जो ओल्डेस्ट पॉपुलेशन है वो यहाँ पे है आपकी ठीक है ये बीच में आपकी रिप्रोडक्टिव है बीच में उससे पहले प्री रिप्रोडक्टिव बोला है कि प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल रिपोर्डक्टिव ऑलमोस्ट इक्वल हाँ ठीक है तो ये बात सही है कि लगभग लगभग सब इक्वल एग्जैक्ट मत बैठ करने बैठ जाना

एंड पोस्टक्टिव इंडिविजुअल होते हैं सेक्शन बी आ गया टू मार्क्स के क्वेश्चन आपको दो नंबर में ठीक है मैंने सिर्फ पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा उन्होंने पूछा है कि नेम द ऑर्गन विच सिक्रीट द हार्मोन रिप्रेजेंटेड पार्ट ए और बी में जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं A part और B part में जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला एफ एस एच और एल एच हमें पता है ये कौन कॉन्सक्रेट करता है और इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन कॉन्सक्रेट करता है तो ये हो गया ओवरी और ये हो गया हमारा ठीक है पिट्यूटरी देखो यहां पे दे गया पिट्यूटरी मैंने आंसर भी लिख दिया स्क्रीन ले लीजिएगा आप लोग जरूर ताकि आपको आसानी हो जाए ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे पेपर में पिट्यूटरी ग्लैंड है ए और दूसरा आपका ओवरी है स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ हार्मोन्स इन अ पार्ट बी पार्ट बी वाले की इंपैक्ट पूछी उन्होंने ऑन द यूट्रस The human female, six से लेकर के डे तक क्या होता है ठीक है और बी पार्ट यानी इस वाले पार्ट की ओवरी के जो रिस्पांस है, जो है यानी का रिस्पांस पूछ दिया Basically, उन्होंने फंक्शन तो हमारी ठीक है प्रोलीफ्रेशन इसको प्रोलीफ्रेटिव फेज भी बोला जाता है ठीक है तो चीज नोट कर लीजिएगा स्क्रीन लेना चाहिए तो ले लीजिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रू ब्रीड डोमेंट फॉर इनफ्लेटेड ग्रीन पॉट इज क्रॉस्ड विदर पी प्लांट विदो पॉट स्मॉल जी जी उन्होंने खुद ही बना दिया तो अब टेंशन नहीं होगी विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर शो द क्रॉस एंड एंड मैं एफ वन जनरे पूछा है ठीक है तो जब जाहिर सी बात है जब कोई चीज डोमेंट नेचर की होगी तो आपको कैपिटल एफ कैपिटल एफ और कैपिटल जी कैपिटल जी दिखाना है और उसमें से दो गैमिट बना लेने हैं कैपिटल एफ और कैपिटल जी स्मॉल एफ स्मॉल जी तो एफ एफ जी जी बन गया तो सारे के सारे कैसे बनेंगे ऑल इन्फ्लेटेड ग्रीन क्योंकि यही जो है डोमेंसी शो कर रहा है मेकिंग द पुनेट ठीक है करेक्ट पुनेट स्क्वायर आप बनाएंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा फिनोटाइप लिखेंगे इन्फ्लेटेड आपको आधा नंबर मिलने वाला है ठीक है एफ एफ कैपिटल एफ स्मॉल एफ कैपिटल जी स्मॉल जी लिखेंगे तो आपको आधा नंबर अवॉर्ड कर दिया जाएगा यह है आपकी मार्किंग स्कीम ऐसे ही मैं करता था चेक ऐसे ही मैं नंबर भी अवॉर्ड करता था कि सही बना है या नहीं बना है ड्यूरिंग द फील्ड ट्रिप वन ऑफ यूर फ्रेंड ग्रुपली बिकम ऑन वेल एसार्टेड स्निजिंग एंडल इन ब्रीथिंग ने टर्म एसोसिएटेड सच आडन रिस्पॉन्स जब भी ऐसी कोई कंडीशन आएगी जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें एलर्जी होती है કે મને તો બહુત હો જાતી હૈ ક્યોકી મે બહુત પ્રೋನ್ હોતા હું એલર્જી કે અક્ષર તો એલર્જી ધ એક્ઝિગ્રેટડ રિસ્પોન્સ ઓફ ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ ટુ સર્ટન એન્ટીજેન પ્રેઝન્ટ ઇન ધ એનવાયરમેન્ટ कॉल्ड द એલર્જી જો એનવાયરમેન્ટ મેં મોજૂદ હોતે હે انકો એલર્જન્સ બોલા જાતા હૈ ડોક્ટર કે એડવાઇસ કરેગા ઇસમે વોર્ડ વુડ ધ ડોક્ટર રેકમેન્ડ ફોર રિલીફ ઠીક હે ડોક્ટર્સ વુડ એડમિનિસ્ટર ડ્રગ લાઈક એન્ટી હિસ્ટામાઇન ઠીક હે એડ્રેનલિન યા ફિર સ્ટીરોઇડ્સ ये ज़्यादा कारगर होता है अगर किसी को भी हो तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के स्टोराइड्स लेकिन ज़्यादा नहीं लिए जाते हैं ये लेकिन ये कारगर बहुत अच्छे बहुत फ़ायदा होता है टू रिड्यूस द सिम्टम्स आपको ये लिखना होगा बेटा तब आपको वन मार्क्स अवॉर्ड कर दिया जाएगा और ये वन मार्क्स अवॉर्ड कर दिया जाएगा क्लियर सी टी टी ए जी जी ए TTC ये किस तरीके की सीक्वेंस दिख रही है जब हम बायोटेक पढ़ेंगे तो, तो आधे नंबर की आपकी आपको लिखना पड़ेगा ठीक है रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस जो होते हैं वो इनको रिकॉग्नाइज करते हैं ठीक है आधा नंबर ये मिल गया आपको वाट दियर सिग्निफिकेंस इन बायोटेक इनकी सिग्निफिकेंस क्या है रेस्ट्रिक्शन यानी आर इज आपका ठीक है इतना। तो से करते हैं। वो अपनी ही सिक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडक्लियस की खासियत होती है तो रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी में यह फायदा होता है हम लोग को कोई भी डीएनए के सेगमेंट को हम लोग

ठीक है फॉरन डीएनए को लाइगेट करने के लिए वो आपके लिए ओवरहेंगिंग स्टिकी एंड बना देते हैं तो हमारा डी जाएगा इस तरीके से जाता है और जुड़ जाएगा वहीं से। क्योंकि दिने, दिने में भी आपने किया उसके पास भी स्टिकी स्टैंडी होते हैं प्रामिड ऑफ बायोमासोसिस्टम वे आर ईच बारिप्रेजेंट द स्टैंडिंग क्रॉप अवेलेबल इन द्रॉफिक लेवल विद द हेल्प ऑफ एक्साम्पल एक्सप्लेन द कंडीशन वे दिस काइंड ऑफ प्रोमिड इस पॉसिबल इन द नेचर कहाँ पे ऐसे प्रोमिट पॉसिबल होंगे जहाँ पे कि ऐसा कैसा प्रोमिट देख रहा है आपको ट्रॉफिक लेवल वन ऊपर आ रहा है टू ऊपर आ रहा है और नीचे वन है और ये छोटा है और ये बड़ा हो रहा है ठीक है तो इस तरीके के प्रामिट को बोला जाता है इनवर्टेड प्रामिट जब आप लिखेंगे तो आपको नंबर अवॉर्ड कर दिया जाएगा तुरंत बायोमास आर सीन इन एक्वाटिक कंडीशन ये बात बतानी है आपको स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लांकटन सपोर्ट द लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लॉंगटन फिश हो गई टेरिस्टियल की अगर बात कर ली जाए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट और फीडिंग ऑन लीव्स ऑफ द ट्रीज जब ऐसा दिखेगा क्योंकि इंसेक्टा तो बहुत सारे हैं जो पेड़ को खा रहे हैं ठीक है लेकिन प्लांट या पेड़ या जो ट्री है वो तो एक ही है ना हमारा तो इंसेक्ट बहुत सारे खा रहे हैं तो यह इन्वर्टेड प्रोमिट बन जाता है यहां पर क्लियर विल द प्रोमिट ऑफ एनर्जी वी आल्सो द सेम शेप इन दिसशन रीजन फॉर यूर रिस्पॉन्स नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है याद रख लो नो का आपको आधा नंबर अवॉर्ड कर दिया जाएगा तुरंत नहीं द प्रोमेज अपराइट आपको आधा नंबर लिख दिया गया चेक चेक ठीक है एंड कैन नेवर बीन बिकॉज द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो लॉस्ड एज ए हीट एट ईच स्टेप

inverted promise because a large number of insects feed on tree आपको ये बनाना था और आप ये बनाएंगे तो आपको नंबर अवार्ड हो जाएंगे विल द प्रॉमिड ऑफ द एनर्जी विल सेम क्वेश्चन है तो हमने लिख दिया इसीलिए यहाँ पे सेम पीछे वाला क्वेश्चन जो है आपका ये वाला ये सेम है ठीक है परेशान मत होना सेक्शन सी आ गया ये 3 मार्क्स का है एक्सप्लेन द फंक्शन स्ट्रक्चर इन द्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तो फंक्शन पूछ दिया गया है लेडिक सेल्स का पूछ दिया गया है और मेल एसेसरी ग्लैंड का पूछ दिया गया है क्वेश्चन अच्छा है इसी तरीके से आपके रिप्रोडक्शन में आने वाले स्क्रोटम में देखिए आपको क्या क्या टर्म या टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ेगी अपने एग्जामिनर को ठीक है अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ मेरे पास में ये चीज़ें मटेरियल है आप मुझे फुल नंबर अवॉइड करिए उटसाइडिथ पाउच कार्ड स्क्रोटम ये डिफिनेशन लिखना आपके लिए लाजमी है और जरूरी है नेसेसरी है सेकेंड लाइन लिख दीजिएगा टेम्परेचर लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री सी लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस ये वाला पॉइंट और आपकी स्क्रोटम की डिफिनेशन तुरंत देयर चेक होगी आधे आधे नंबर में तो एक नंबर हो गया यहाँ पे आपका ठीक अब आती है बात लेडिक सेल्स की कि लेडिक सेल्स क्या करती हैं रीजन रीजन आउटसाइड द के बाहर का जो है इंटस्टिशल स्पेस जिसको बोला जाता है कंटेन द स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड सेल्स को ही आप लेडिक सेल्स बोलते हैं अब बात आ गई है इसकी डिफिनीशन आपने डिफिनीशन बता दिया कि क्या होती है क्योंकि उन्होंने पूरा तीन नंबर का है आपको दोनों चीजें बतानी ये मतलब आपको लेडिक सेल्स के बारे में भी बताना है डिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि लेडिक सेल्स सिंथेसाइज या लेडिक सेल्स दस कॉल द एंड्रोजन ठीक है मेल एसेसरी ग्लैंड की बात कर लीजिए यहां पर द मेल मेलरी ग्लैंड इंक्लूड द सेमिनल वेसिकल्स हैं अप्रोस्ट्रेट है पेयर्ड बल्बोले ग्लैंड्स हैं सेक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड इन सबका सिक्रीशन

क्योंकि वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देखे ऑक्सी एंटी ऑक्सीडेंट है ना ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो इस हम खत्म हो जाएंगे और इतनी भी चीजें हैं उसके अंदर ठीक है आपकी कैल्शियम है फ्रेक्टोज सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो वो मटेरियल हमारा जो सीमेन है वो बचेगा ही नहीं तो ये चीज याद रखिएगा ऑफ ठीक है बल्बोलेथरल ग्लैंड हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पीनस ठीक है ये लुब्रिकेशन में मदद कर देती हैं लुब्रिकेशन में मदद करती हैं और ये होती हैं अल्कलाइन ठीक है इट्स अल्कलाइन इन नेचर क्योंकि सर्विक्स जो होता है वो होता है एसिडिक तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ताकि आसानी से स्प चलते चले जाएं वहाँ पे उनको न्यूट्रल ग्राउंड मिले ओके स्टेट द एजेंट दिच हेल्प इन पॉलिनेटिंग द फॉलोइंग प्लांट्स एक्सप्लेन द अडॉप्टेशन टू दीज पॉलिनेशन कॉर्न किसके जरिए होता है भुट्टा जो होता है हमारा वाटर में पूछ दिया है, है मुझे मालूम है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ये पॉलिनेशन हर साल पूछते हैं तो कॉर्न किसके ज़रिए होता है विंड के जरिए हो रहा है अब आपको रीज़न बताना है कि क्यों बच्चे क्या करते हैं कि कॉर्न में क्या हो रहा है विंड वॉर्डर में क्या हो रहा है वैलिसरिया में क्या हो रहा है लिख दिया लेकिन बताया नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन जैसा टर्म यहाँ पे दिया गया है ना एक्सप्लेन बहुत सारी ये गलतियाँ मैंने नोट करी हैं बहुत सारी चीज़ें मैं आपका एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ ना कि पाँच छः साल का सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर डालूंगा कि जो जो मैंने चीज़ें डिफ़िकल्टीज फेस की हैं जो आप लोग गलतियाँ करते हैं वो अब नहीं करेंगे

वाटर हाइजिन में किसके जरिए हो रहा है लेकिन वाटर हाइजिन थे लेकिन लिखा देखिए बेटा वहाँ पे क्या है बस ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है इंसेक्ट और विंड के जरिए होता है वाटर वाटर अ फ्लावर इमर्ज द सी लेवल वाटर के ऊपर आ जाते हैं पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट और विंड ठीक है एज इन द मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स ये आपके नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत घुमा घुमा क्वेश्चन पूछते हैं तो ये याद होना चाहिए आपको पॉलिनेशन बहुत अच्छी तरीके से आउटब्रीडिंग डिवाइस रटे हुए होना चाहिए

चेन। आपको बताना बहुत ये लास्ट वाला जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया इन्होंने से आपको इसका आप रीजन बताएंगे आप लोग दंग रह जाएंगे ठीक है कि सर यहां पे इतना ज्यादा ये क्यों बता रहे हैं कि ऐसा क्यों इन्होंने पूछा है वहां पे ग्लाइसिन टायरोसिन सैरिन ल्यूसिन ग्लाइसिन सेन एलानिन ठीक है तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जी सी ए ठीके? ये तो हो गया आपका यहाँ पे जो कोडॉन दिख रहा है इसका एंटी ट्रांसफर आ रहा के पास में हो जाएगा तो जी का सी हो जाएगा सी का जी हो जाएगा और इसका ए का यू हो जाएगा तो ठीक है ये तो हो गया चलो कोई बात नहीं लेकिन पॉइंट की बात ये देखिए आप लोग हाउ मेनी मोरूनिवर्सिडीज आर एक्सपेक्टेड टू बी एडेड इन दॉलीपेप चेन लास्ट में देखो बच्चों जरा ध्यान देना यहाँ पे ये क्या बनाया इन्होंने ये यू ए A, A. Is it? It is stop codon. स्टॉप कोडॉन लगा हुआ है यहाँ पे तो आपको लिखना पड़ेगा नो मोर अमीनो एसिडेट ठीक है तो आपको पोलैरिटी तो पता है ना फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम ही काम होता है पॉलिमरेज उसी के डायरेक्शन में काम करता है तो एक नंबर आधा नंबर तो हो गया लेकिन यहाँ पे देखिए जरा कोई यहाँ पे जल्दी ध्यान नहीं देने वाला यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा UAA लगाया है वहां पे उन्होंने स्टॉप कोडन लगा दिया तो आपको लिखना होगा कि नो मोर अमीनो एसिड बच्चे अक्सर कह देंगे कि हमें कैसे पता कि इसमें नहीं लेकिन देखो ध्यान दो वहां पे तो आपको, आपको इनिशियर आपको वो भी याद करना है अच्छा क्वेश्चन था कोडॉन जी सी एम ने आपको बताया था आपको ठीक है सी जी यू ये देखो लिखा हुआ है। आदे आदे नंबर ये हो गया आधा नंबर ये हो गया चेक आर सम यू टी आर सिक्वेंसिस ठीक है जिनको बोला जाता है एंड द बेसिस ने कोडिंग इन दॉलीपेप वाट वे आर द एग्जैक्टली एंड दे आर प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आ रहे जब भी मैसेंजर आ रहे बनता है जहाँ से इनिशियटर कोडाउन लगा होता और स्टॉप कोडाउन लगा होता तो है उसके आस पास बहुत सारे दूर तक और इधर से इनिशियेटर कोडाउन लगा इसके आस पास भी बहुत दूर तक ठीक है हमारे बहुत सारे कोडाउन लगे हुए थे लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता था यू टी आर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द इफिशियंट ट्रांसलेशन प्रोसेस रट के जाना इसको ये वाली लाइन को बेटा ये पूछा जाएगा फिर से पूछेंगे वो कहीं ना कहीं घुमा दें आपसे कुछ भी पूछ लें यू टी पूछ लें अलग से पूछ लें दे आर प्रेजेंट बिफोर द इनिशिएशन ऑफ कोडन देखो लिखा है द फाइव प्राइम एंड एंड दे आफ्टर स्टॉप कोडन टर्मिनेशन कोडन एट द थ्री प्राइम एंड ठीक है पूरा का पूरा पैराग्राफ आंसर में पूछा है हाउ इज हार्डविनबर्ग एक्सप्रेशन कैसे किस तरीके से आप उसको डिराइव करेंगे तो आपको पूरी बात इधर वाले लाइंस इधर वाले पेज से लेकर के इधर वाले लास्ट तक जो आया है ना पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा तीन नंबर का क्वेश्चन है कोई भी गड़बड़ मत कर देना सम टोटल ऑफ ऑल एलील फ्रीक्वेंसी इज वन बताया है आपके हर्डी में लेट दियर बी द टू एलील्स हैं आपके पास में कैपिटल ए है स्मॉल ए है इन पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स ए ठीक है एंड ए अलग अलग से तो P हो गया और Q हो गया रेस्पेक्टिवली तो यानी A का हो गया आपका P और स्मॉल A का हो गया आपका Q द फ्रिक्वेंसी ए ए के लिए तो आपका पी स्क्वायर हो जाएगा जाहिर सी बात है एंड कैन बी एक्सप्लेन दैट प्रोबेबिलिटी प्रोबेबलिटी ए विद्रिक्वेंसी ऑफ पी वुड बी अपेयर ऑन द बोथ क्रोमोजोम दोनों के ऊपर आ सकते हैं डिप्लॉयड इन इंडिविजुअल यानी कि ये वाली जो यानी कैपिटल टी कैपिटल्टी हर जगह मौजूद हो सकता है ना जब कैपिटल टी की बात हो रही इसी तरीके से सपोज कर लो लोजे कैपिटल टी कैपिटल टी था फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है ठीक है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज p स्क्वायर तो आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं अगर इस तरीके से मौजूद होगा तो आप उसको p स्क्वायर लिखेंगे ये बताया था इन्होंने ओके दूसरी बात क्या बताई इन्होंने सिमिलरली द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ए स्क्वायर जब देखो यहाँ पे जब ए स्क्वायर है तो q स्क्वायर तो वेरिएबल हो जाएगा ठीक है और जब आपका हेटेरोजाइगस बनेगा तो ए कैपिटल ए स्मॉल ए तो टू पी क्यू हो जाएगा ये है आपका फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर ठीक है स्कल टू वन बताया था पी स्क्वायर टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ठीक है पी रिप्रेजेंट पूरी बात बता दी उन्होंने टू पी क्यू रिप्रेजेंट द फ्रिक्वेंसी ऑफ हैट्रोजाइगस बस ये जो टर्म है आपके ये 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 सारी चीज़ें मैंशन होना चाहिए कौन किस को रिप्रेजेंट कर रहा है बस हम लोग इसमें ये चेक करते थे बच्चों का ठीक है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस स्मॉल ए स्मॉल ए हाँ ठीक हाँ ठीक ठाक लिख दिया बच्चों ने ये नहीं भी थोड़ा बहुत गड़बड़ भी चल जाएगा लेकिन मेरी आप सलाह मानिएगा इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा हर एक चीज को मैंशन करिएगा ठीक है गलती करने के चांसेस बहुत रेयर होने चाहिए आपके हालांकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता गलतियां सबसे हो जाती मुझसे भी हो जाएं ठीक है लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि गलती ना करें क्योंकि गलती जहां पे होती है मैं आपको बता रहा हूं कि गलती कहां पे होती है हार्डी विनबर्ग हमेशा इंपॉर्टेंट रही है तो ये इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए ये ठीक स्क्रीन ले लीजिएगा सारे लिस्ट द टू फैक्टर्स दैट कैन डिस्टर्ब द जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो इनको गड़बड़ कर देते हैं फ्रीक्वेंसी गड़बड़ कर देंगे तो वो आपका है जीन माइग्रेशन जीन फ्लो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए तभी फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाएगी ठीक है म्यूटेशन हो जाए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाए नेचुरल सिलेक्शन हो जाए कुछ भी इनमें से पाँच फैक्टर्स हैं आपके पास में कोई भी हो जाए आपकी फ्रिक्वेंसी गड़बड़ कर जाएगी आधे आधे नंबर के लिख देना थे

वाई शेप चेक हो गया और ये चेक हो गया हाँ सही लिखा है बच्चे ने ये देखिए टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज पे आ एंटीबॉडी आई जी एम आई जी एम आई जी ई आई जी जी गैमा एप ठीक है अल्फा इस तरीके से वन मार्क अवॉर्डेड अब देखो नोट कर लो यहाँ पे गलती नोट कर लो अवॉर्डेड वेन फोर टाइप्स ऑफ स्टेटेड यानी सारी की सारी स्टेट की गई होंगी तभी आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आपसे जब टाइप्स पूछे तो चार होते हैं आप चार बताइए जो कि आपकी मेंशन है एनसीईआरटी में ठीक है अब इनमें से कोई के दो के फंक्शन पूछने थे उन्होंने पूछे हैं आपसे तो लैक्टेटिंग आई जी ए किसमें होता है आपके लैक्टेटिंग मदर टू प्रोटेक्ट देयर इन्फेंट आई जी ई आपका टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एलर्जेंस जब इसी का तो टेस्ट होता है आई जब किसी को एलर्जी होती है तो इसी का टेस्ट लिखा जाता है कि आई अगर ज्यादा होंगे तो जाहिर सी जहर यू आर ठीक है यू आर प्रोन टू एलर्जी ओके लाइट चेंस के लिए आपको मार्क्स दिया जाएगा के लिए हाफ मार्क्स दिया जाएगा इसके लिए भी हाफ मार्क्स और ये डायग्राम आपको पूरी परफेक्टली बनाना पड़ेगा आधे नम, एक नंबर का डायग्राम है सोचिए आप ठीक है और वाला भी क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पूरी बात मैंने लिख दी है एक्सप्लेन अच्छी तरीके से है ये क्या क्या आपको टर्मिनोलॉजी चाहिए होगी वो आप, आपको गेमिटो का वहाँ पे फंक्शन लिखना है फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन अ गट ये बताना पड़ेगा वहाँ पे आधा मार्क्स इसका मिलेगा आधा मार्क्स इसका मिलेगा ठीक है मॉस्किटो तो एंड अंडर गोज द फर्दर डेवलपमेंट टू फॉर्म द दैट आर स्टोर्ड सेलेवरी ग्लैंड वन हाफ मार्क्स इसका रहेगा अनटिल दे आर ट्रांसफर टू ह्यूमन बॉडी द ह्यूमन बॉडी स्पोरोजॉइड्स रीच द लीवर एंड रिप्रोड्यूसुअली आधा नंबर ये बताना पड़ेगा कि कहाँ किसकी फॉर्म में जाती है क्वेश्चन अलग से भी पूछते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर किसकी फॉर्म में आता है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा स्पोरोजोहाइट कहाँ पहुँचता है दूसरा क्वेश्चन बन जाता है लीवर में पहुंच जाता है तभी तो जब मलेरिया होता तो लीवर का जो फंक्शन होता है वो बिगड़ जाता है ठीक है लीवर का साइज भी अक्सर बढ़ जाता है जब है इंफेक्शन हो जाता है फिर रिलीज हो जाता है इनटू द आरबीसी एज इन टू अगर कोई मच्छर काटेगा तो उसके अंदर फिर से यह चला जाएगा ये तो लिख सकते हैं आप लिख दिया आपने कन्वीनियंट ऑप्शन भी होता है है कि आप ठीक मार्किंग स्कीम में होता है कि आप इसकी लाइफ साइकिल भी ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन यह सारी चीजें मेंशन होना चाहिए दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं ठीक है एक्सप्लेन द कॉज ऑफ चिल्स एंड फीवर्स का तो ही ये हमेशा मैं बच्चों को बताता रहता हूँ प्लाजमोडियमोज तो होता है जिसके हमें सर्दी लगती है गिवन पिक्चर मिक्सचर ऑफ डीएनए विद द फ्रेगमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम द 200 सो बेस टू हंड्रेड बेस पेयर्स हैं 200 हैं ठीक है 200 से ढाई हजार बेस पेयर्स हैं आपके पास में इलेक्ट्रो फोरेसिस उनको कहनीय न्यू इलेक्ट्रोफोरेसिस की गई है उनके ऑन एग्रोस जेल ऑन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ठीक है पॉजिटिव एंड यहां पे लगाया है नेगेटिव एंड यहां पे लगाया है ये कहलाते हैं आपके बफर सॉल्यूशन तो होता ही होता है यहां पे इनको बोला गया था तो इनको वेल्स बोला जाता है इसके अंदर डीएनए रख दिया जाता है और ये धीरे-धीरे धीरे-धीरे चलने लग जाते हैं ठीक है पोर्शन देखिए अब आप वॉट रिजल्ट विल बी ऑप्टेंड ऑन स्टैंडिंग विद द्रोमाइड ये आना है एथीडियम ब्रोमाइड वाला आना है ये बड़ा मोहब्बत है पिछले दो तीन साल से नीट में आ रहा है और लगातार मतलब वो आना ही है उन्हें पूछना ही है मज़ा आता है पता नहीं क्या है सी बी एस सी एन टी ए को उन्हें मजा आता है कि डी एन ए किससे स्टैंड होता है एथीडियम ब्रोमाइड से कैसा दिखता है राइट और ठीक है तो उन्होंने बोला है कि नो बैंड विल बी ऑप्टेंड तो नो के नंबर हैं भैया यहाँ पे ऑप्टेंड एज दल डी एन ए विल बी सीन इन वेल ओनली हाफ मार्क्स आपको इसका अवार्ड कर दिया जाएगा कोई भी बैंड नहीं दिखेगा आप रीजन बताओ ये किसी को पता है रीज़न ये है कि क्योंकि डी जो होता है वो आपका निगेटिवली चार्ज होता है जब निगेटिव चार्ज जब यहाँ पे है बाबू तो निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज की तरफ क्यों जाएगा आप इसको रिवर्स करिए यहाँ पे करिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे निगेटिव चार्ज जब ये यहाँ पे फ्लो करके चल देगा यहाँ पे ठीक है डी एन ए फ्रेगमेंट बीन निगेटिवली चार्ज देखिए यहाँ पे आपको ये टर्म देना होगा कैथोड वाला एंड विल नॉट मूव टू वार्ड द निगेटिव एंड भी लिख सकते हैं आप कैथोड भी लिख सकते हैं डी एन ए बीजेटिवली चार्ज रिमेन स्टेशन एट द पॉजिटिव एंड वहीं का वहीं रहेगा जाहिर सी बात है उसको कौन कौन सा फोर्स खींच रहा है उसको कोई नहीं खींच रहा है ठीक है तो वहीं का वहीं रहेगा हमने लोगों सेटअप सही कर लिया बता दिया कि गलती कर रहे थे यार हमने सेटअप कर लिया सही तब सेट अप सही कर लिया ठीक है तो अ बैंड विद बैंडी बेस एट एक्स चेंजेस वर मेड टू द प्रीवियस डिजाइन तो हमने ज़ाहिर से बात है पोजिशन ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड या एनोड की हमने जो थी नेगेटिव टर्मिनल इंटरचेंज कर दी जैसा हमने आपको बताया था द फ्रेगमेंट विद द लीस्ट बेस पियर्स क्योंकि ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा हल्के होते हैं वो सबसे तेज दौड़ जाते हैं रन कर जाते हैं सेविंग इफेक्ट के जरिए जो भारी वाले होते हैं सेविंग इफेक्ट में वो पीछे रह जाते हैं बाकी जो 250 फिफ्टी बेस्ट पेयर थे वो सबसे पहले दौड़ करके चले गए गेट सेपरेटेड एंड एंड एट द एनोड ठीक है ये चीज लिखना है आपको देर वॉज अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी सिस्टम ड्यू टू द न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन योर एरिया अपना कन्नौज है हमारा एरिया तो ठीक है अगर यहाँ पे बहुत सारा हमारे सपोज कर लो जंगल थे यहाँ पे अभी भी वो उनको हमें खत्म कर दिया है लोगों ने, ने कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया है वहां पे तो उसके कॉन्सिक्वें क्या होंगे ऊपर रख के देख लिया करिए एक बार तो आपको और आसान है किसी का घर आप तबाह कर देंगे तो वहां पर क्या होगा ठीक है तो डिक्लाइन द प्लांट पॉपुलेशन नॉर्मल सी बात है ये एनसीआर की लाइन है और तीनों ही छापनी होती है तीनों एज इट इज है छापनी होती है सबसे ऊंची बात तो ये है अब अपनी कलाकारी उसमें नहीं कर सकते वो उन्हें अपना ही चेक करना क्योंकि मार्किंग स्कीम में यही लाइनें लिखी होंगी आपने इधर उधर का लिखा

रेयर होता है मैं तो ऐसा करता था बाकी एग्जामिनर्स बच्चों ऐसा नहीं करते थे ठीक है वो अपने हिसाब से ही अपनी ठीक है बुद्धिमता के हिसाब से काफी चेक करते थे लोअर रेजिस्टेंस लोअर रेजिस्ट हो जाएगी इन्वायरमेंटल पर्टुबेशंस पर्टुबेशंस जो टर्म दिया गया है इसका मतलब समझ लो आप तो यहाँ पे होता है डिस्टर्बेंस या इरर हो जाए इको में ठीक है

साइकिल्स ये सारी चीज़ें इंक्रीज कर जाएंगी सब गड़बड़ हो जाएगा मतलब हर चीज़ तरीके से देखा जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो तीन पॉइंट हैं आपको तो तीनों पॉइंट आपके आधे आधे नंबर के हैं डेढ़ नंबर आपको अवार्ड कर दिया जाएगा दूसरा ऑप्शन भी है इनका यानी बी सेक्शन भी है लिस्ट एनी थ्री मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी ठीक है हैबिटेट लॉस सब नंबर वन पे आता है देखो किसी का घर तबाह कर दो कि कोई चीज़ नहीं बचेगी ओवर एक्सप्लाइटेशन एलियन इन्वेजिव स्पीशीज़ को एक्सटेंशन साथ में खत्म हो जाना को एक्सटेंशन का मतलब कि अगर किसी एक स्पीशीज को ख़त्म करा तो दूसरी अगर उस पर डिपेंड करती है तो वो भी क्या हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी ओके सेक्शन डी आ गया है केस बेस्ड हैं अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो है वो आपका मेल जो है कैरियर मेल है अफेक्टेड भी हमें पता होता है ना कि ये वाली चीज़ें जो बताई गई हैं आपकी ये सी वाली हैं ये कैरियर हैं सबके सब वो कैरियर ही कैरियर से डिसीज ट्रांसफर कर देता है ओके okay, क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द दिट्स पैटर्न हमने जो पीछे देखा है वॉट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द पैटर्स अ पॉइंट ये है ठीक है कि हमने ये पता कैसे लगा लिया कि एक्स लिंग डिसीज थी ये एक्स लिंक्ड ही डिसीज़ है वन मार्क्स रेसेसिव ट्रेट वो भी रेसेसिव है कोई जुगाड़ है अपने पास जुगाड़ है अब आप नोट करो जरा यहाँ पे ये बॉय ये बॉय ये बॉय ये बॉय ये बॉय ये बॉय सारे के सारे मोस्टली 99% परसेंट लड़के जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया है आपको भी यही अंदाज़ा लगाना है ठीक है कि एक्सलिंग डिसीज़ है आटोजोमल रिसेसिव डिसीज़ नहीं है ये एक्सलिंग ही है ठीक है अब पॉइंट देखो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो ये है कि जब भी अगर कोई बाहर से जो उनका नियम है हमारी पेडिग्री का उस पर मैं वीडियो बना दूंगा अच्छी तरीके से आपको मग अप हो जाएगी वो जब भी कोई बाहर से शादी करता है ठीक है ये लड़का जो था ये शादी कर रहा है अफेक्टेड फैमिली में सपोज़ कर लो ये फैमिली ए है ठीक है फर्स्ट जनरेशन थर्ड जनरेशन में इसने शादी करी तो लड़की जो पूरी तरीके से ये ठीक है एक्स एक्सलिंग से पूरी तरीके से ग्रसित थी यानी इसको बीमारी थी और अभी यहाँ पे इन्होंने इसको कैरियर करार दे दिया कैरियर बाहर से जो भी आप मानेंगे वो नॉर्मल ट्रीट किया जाता है अब लेकिन इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि वो कैरियर है इतफाकन है कैरियर अब यही पे डिग्री होती है ठीक है तो अब ये भी कैरियर और ये डिसीज तो ये दोनों में हो गई देखो दोनों लड़के जो थे इनके क्या हो गए अफेक्टेड हो गए हैं अब यहाँ पे जो लड़का जो है इसके ऊपर तो है लेकिन इसकी जो मदर है ठीक है इनकी जो वाइफ है सॉरी ठीक है तो इसके पास तो एक्स 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 है और इसके पास एक्स वाई है तो एक्स के ऊपर ये डिसीज है तो जाहिर सी बात है जो वी बनेगा वो कैरियर बन सकता है डिसीज नहीं हुआ अच्छी बात ये है तो प्रोबेबिलिटी होती है खैर आगे आते हैं एक्स एक्सलिंग हम लोग को पता चल गया ना एक्स एक्सलिंग मैंने कैसे निकाला था सारे लड़के उसमें अफेक्टेड हो रहे थे इसलिए ऐसा था इफ द फीमेल होमोजाइगस है

एंड फोर इन थर्ड जनरेशन थर्ड जनरेशन में उन्होंने पूछा है क्योंकि जीनो टाइप जरा लिख दो बड़ा सिंपल होता है ठीक है थर्ड जनरेशन पे आ जाओ ये वाली जनरेशन जो उठाई है पहले तो इसे खत्म करो। ये लो खत्म हो गई ये लड़का हो गया जो कि आपको कैरियर बताना है और सही भी बताना है दोनों बातें बतानी हैं ये अफेक्टेड बतानी है ठीक है ये भी अफेक्टेड बताना है ये नॉर्मल नॉर्मल बता देना है आपको यही करना है देखो इसमें ये सही भी हो सकता है और ये कैरियर भी था पॉइंट ये था तो वो कैरियर तो नहीं बोल के वो अफेक्टेड होगा क्योंकि और वो डिसीज़ है अब यहाँ पे जो लड़की सेकंड वाली थी वो अफेक्टेड थी लड़का भी अफेक्टेड था बाकी वो वाली लड़की जो थी वो सही थी है ना तो ये आधे आधे नंबर के आपको इस तरीके से जीनो टाइप आपको बताने रहते हैं इन दिस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आउट ऑफ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रेन विच हैज लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग द ट्रेड फ्रॉम पेरेंट्स गिव रीजन द प्रोबेबिलिटी अब देखो यहाँ पे बताना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल गेटिंग द ट्रेड इज लेस लड़कियों के अफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है एक नंबर मिल गया आपको द फीमेल विल गेट ट्रेड ओनली इफ द मदर इज एट लीस्ट क्या है कैरियर होनी चाहिए और फादर क्या होना चाहिए अफेक्टेड होना चाहिए पीछे पेडिग्री देखो जरा ये रहा ठीक है यहाँ पर तो आ नहीं यहां पे पॉइंट ये है कि यहां पे जितने भी हैं ये यहां पे अफेक्ट जरूर होना चाहिए मदर कैरियर होना चाहिए और फादर को एटलीस्ट क्या होना चाहिए आपका डिसीज होना चाहिए ये एक तरीका है इसका डेटा दिया गया है बिलो द शो द कंसनट्रेशन ऑफ निकोटीन सिगरेट पीने के बाद में स्मोकर का दस कश अगर उसने ले लिए हैं एक मिनट के अंदर तो उसका निकोटीन लेवल कितना बढ़ जाता है तो दस कश लेने के बाद में टाइम टेन मिनट्स के बाद में तो उसका कंसनट्रेशन ये पहुँचा जा कर के ठीक है ये वाला यहाँ से फोर्टी फाइव बढ़ा जा कर के है ना फोर्टी फाइव ये क्वेश्चन भी पूछा उन्होंने तो कंसनट्रेशन ऑफ निकोटीन मैक्सिमम आफ्टर टेन मिनट्स तो फोर्टी फाइव एम जी पर सेंटीमीटर

समझ लेना आप कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा होती है आपकी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की नहीं होती बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा होती है क्लियर आपकी हीमोग्लोबिन तो ही कार्बन मोनोऑक्साइड से जल्दी से जल्दी कैप्चर कर लेती है ये होता है रीजन हाउ डज द सिगरेट स्मोकिंग रिजल्ट दाई बी पी तो जाहिर सी बात है जब से ही निकोटीन पहुंचता है तो सीधा सीधा अफेक्ट करता है मैंने रेड कर दिया है एड्रेनालिन और नोरा एड्रेनालाइन पे

रिड्यूस द सरफेस एरिया लूज द इलास्टिसिटी कोई भी एक पॉइंट इसमें से आप मेंशन कर दीजिएगा सारे मेंशन हैं दिस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉल्ड द ओके अभी आ गया सेक्शन ई e आपका फाइव मार्क्स का ठीक है ट्रेस द इवेंट ऑफ कॉपुलेशन कॉपुलेशन से लेकर के जयगोट फॉर्मेशन तक

एंट्री ऑफ एडिशनल की रोक देती है दूसरा हो गया आपका पूरी पूरी लॉन्ग आंसर है कोई गलती मत कर देना द सेक्रिएशन ऑफ द एक्रोजोम में होता है ठीक है जो कि मदद करता है उसको जोना पेलिसा को ब्रेक करने में एंजाइम जो होता है जोना पेलिडा ब्रेक होगी एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है एथ पॉइंट क्या कह करें दिस इंड द कंप्लीशन ऑफ द से जैसे ही अंदर स्पम्प पहुंचता है हमारा तो वहां पर जो हमारा प्रोफेस फर्स्ट के बाद तो कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद एक ही डिवीजन होता है मायोटिक फर्स्ट कंप्लीट हो चुका होता है मेनसेस जब होते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सेकंड वाला बचता है जब ये पहुंचेगा स्पम्प तब हमारा सेकंड मायोटिक डिवीजन जो होता है वो उनके अंदर शुरू होता है जब सेकंड पोलर बॉडी बनती है और वो बन जाता है कम्प्लीट सेकेंड मायोटिक डिविजन वाला पॉइंट लाना जरूरी है मायोटिक डिवीजन बॉडी एंडम ओटेड ये हैं अब देखो बच्चों दस पॉइंट आपको लिखने हैं और हर एक पॉइंट आधे आधे नंबर का है और सारे पॉइंट सही होने चाहिए <laughs> जितने भी इसमें टर्म्स हैं ठीक है सारी चीजें वैसी की वैसी उन्होंने पूरी पूछी है

मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्पोर थ्री एम्ब्रिय बोला जाता है टर्म okay? आना जरूरी है बाबू जी तीसरा पॉइंट है न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगा स्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म दू न्यूक्लिया एक से दो दो से चार चार से आठ बन जाएंगे इस तरीके से होते होते हैं जहां पे इस तरीके से जो आप इंडाग्राम होगा इस तरीके से आठ न्यूक्लियस बने होंगे ठीक है और सबके सब डिविजन सब होंगे दो तो अलग चले जाते हैं तीन अलग चले जाते हैं दो अलग चले जाते हैं

ठीक है एंड द इन टर्न कंसिस्ट ऑफ टू सिनर्जिट्स होंगे वन एक्सेल्स होता है नीचे की तरफ एनर्जिट्स का काम होता है पोल ट्यूब को लेकर के आना एंड अंदर तक गाइड करना ठीक है सिनर्जिट है स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइकोपाराटिव इज नोन एज फिलीफॉर्म एपारेटस जिसको बोलते हैं जिसके जरिए फिलीफार्म भी क्या करते हैं उसको पॉलन ट्यूब को कैप्चर करके अंदर की तरफ ले आते हैं गाइड करते हैं पोल ट्यूब को एंट्री गाइड द एंट्री ऑफ द पोल ट्यूब

डायग्राम के साथ ठीक है ऑब्जर्व द सेगमेंट ऑफ मैसेंजर आर एन ए देखिए फाइव प्राइम दिया गया है ओके ओके थ्री प्राइम पे दिया गया मैसेंजर इंट्रॉन्स और एग्जॉन्स हैं यानी ये मैसेंजर आर एन ए नहीं बल्कि कौन सा आर एन ए है ठीक है एच एन ठीक है

MGPP, जो होता है आपका वो एड होता रहता है में यानी के जो होते दो सौ से 300 सौ बेस एड कर दिए जाते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में लगते हुए चले जाते हैं वो नाउ द एच एन आर एन एंडर गोज द प्रोसेस वेयर दस रिमुव एग्जॉन्स ज्वाइन टू फॉर्म द मैसेंजर तीनों टर्म आपके बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए आधे आधे नंबर के ठीक है ये डायग्राम बना हुआ होना चाहिए

जब आर एन सबसे पहले तो इम्पैक्ट यही पता कर लो कि आर एन फर्स्ट क्या कर रहा है और थर्ड क्या कर रहा है तो आर एन जो फर्स्ट होता है क्या बना रहा है राइबोजोम और आर बना रहा है विच इज द सेलुलर फैक्ट्री होती है प्रोटीन सिंथेसिस की जब आय आर यानी रैबोजोम ही नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या खाक होगी तो ये पहला इम्पैक्ट तो यह, तो यह आया आपको ये बताना पड़ेगा ठीक है विल नॉट हैपन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विल नॉट हैपन ये चीज नोट कर लीजिएगा ठीक है आर एन ए पॉलीमरेज थर्ड क्या कर रहा है ट्रांसफर आर एन ए बना रहा है ट्रांसफर आर एन ए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन विच इज द एडाप्टर मॉलिक्यूल है ट्रांसफर द अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की साइट राइबोसोम्स तक लेकर के जाने का काम किसका है ट्रांसफर आर एन ए का जब वो दोनों ही नहीं बन रहे तो तभी तो बोला ट्रांसलेशन नहीं होगा और वाला क्वेश्चन भी है थर्टी टू का तो स्टडी द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीन्स इन्वॉल्व इन द लैक ओपन तो आप बताइए यहाँ पे जीन आई है और ए एक्टिव साइट उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है? कि इन सेल अब है होगा हाउ इट अफेक्ट द लैक ओपरान जब परमीज को ये एबिलिटी नहीं दी गई है कि वो ठीक है चीजों को अंदर बुला सके तो लैक्टोज तो अंदर आ नहीं पाएगा तो लैक ओपरान होगा ही नहीं ठीक है लिखा भी है देखो

इज एब नॉर्मल इट विल नॉट बाइंड ऑपरेटर रीजन तो ऑपरेटर तो हमेशा ऑन रहेगा वो तो बैठे रहता है उन्होंने के लिए जब वो बैठा रहता है उन्होंने के लिए तो उसके पास इन्वेटर तो आ नहीं रहा है तो वो ऑन रखेगा ट्रांसक्रिप्शन लगातार आपका सारे प्रोसेस होती रहेगी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंटिन्यू द न्यूट्रिय मीडियम इन बैक्टीरिया कंटेंट ऑनली गटोज विल द ऑपरॉन बी एक्सप्रेस जस्टिफाई योर आंसर नो नॉट एट ऑल क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर भी थोड़ा एनसीआरटी बताती है कि उसके अंदर होना जरूरी है लेक्टोज का तो कोई नो मार्क्स आधा मार्क्स आ जाएगा बिकॉज द गैलेक्टोज इज नॉट एन इंड्यूजर नहीं है वो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लेक्टोज मेटाबोलि टूटता है तब आपका गैलेक्टोज बनता है समझ गए सिंपल था ये ऑयल स्पिल इज अ मेजर इशू है पॉइंट ये बताया उन्होंने कि ऑयल स्पिल हो गया पूरी बात मैं पढ़ूंगा तो देर हो जाएगी ऑयल स्पिल हो गई पूरे समुद्र में ऑयल फैल गया है उसके लिए हम लोग को बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन लगानी है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन लगा करके हम लोग जो ऑयल फैला हुआ है उसको खत्म कर दें डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है जिसको सुपर बग उन्होंने नाम दिया है ट्रायल्स अंडर वेन डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हमने लगा दिए हैं सारे टू इनकॉर्पोरेट दीज जीन्स एंड क्रिएट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीडोमोनास हमने बनाया है सुपर बग जिसको नाम दिया हमने टू ब्रेक डाउन द फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑयल को तोड़ दे ताकि वो सिंपलर सब्सटेंस में आ जाए और नुकसान ना करें

which is essential for the separation and opening and unwinding. If such a bacteria are sprayed on the water bodies with the oil spills, how will this have the positive and negative impact? पूछे उन्होंने कि आप बताइए भाई positive effect इसके negative effect भी बताइए positive तो ये हो गया कि treated and environmental becomes better हो जाएगा clean हो जाएगा हम अच्छी तरीके से मछलियों की जो life है उनको अच्छी तरीके से बचा लेंगे ठीक है पोर्टेबल है सेफ है एक लाइफ फॉर्म्स के लिए ज्यादा वो दिक्कत नहीं देंगे क्योंकि हमने उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके रखा हुआ है ठीक है सीगल्स एक छोटी खूबसूरत सी चिड़िया होती है सफेद सफेद उसके ऊपर भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है निगेटिव इंपैक्ट है दे कैन म्यूटेट आपने डाल तो दिया लेकिन हो सकता है वो एक दो महीने के बाद क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एक खासियत होती है वो म्यूटेट बहुत जल्दी हो जाता है कैन हार्म द अर ऑर्गेनिजम्स हो सकता है वो ऐसा टॉक्सिक बनाने लग जाए जो मछलियों के लिए एक्वाटिक लाइफ के लिए थ्रेटन साबित हो जाए ठीक है नॉन वायोलेंट फॉर्म्स बन जाए उनकी मेक देम द सुपर बग बन जाए वो डिट्रीमेंटल इफेक्ट शो करने लग जाए अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट शो करने लग जाए लॉन्गर ड्यूरेशन इट में रिड्यू द डिजोल्व ऑक्सीजन हो सकता है वो एरोबिक एरोबिक कन्वर्ट हो के, पूरी तरीके से हो वो नीचे उतर जाए समुद्र के और वहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन को लेने लग जाए बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं लीडिंग टू द मोर्टेलिटी ऑफ एक्वाटिक लाइफ ऑर्गेनिजम्स ये टर्म आपको छाप देना है 33 अपन लास्ट क्वेश्चन पे ही हैं ठीक है लंबा हो गया एक घंटे का वीडियो हो गया है अपना इंसेक्ट इन द लेपडॉप टेरेंस लेपडोप टेरेंस जो होता है वो एक ऑर्डर है ऑर्डर है किसका इंसेक्टा का इंसेक्टा का वो ऑर्डर जिसमें तितलियां और मौत होते हैं इनको एक दो को रखा गया ग्रुप ऑन 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 एंड एंड द लार्वा हैचिंग फीड लीफ टेंडर कॉप के ऊपर इन ऑर्डर टू अरेस्ट द स्प्रेड ऑफ थ्री लेपडोप टेरेंस पेस्ट को बी टी मेज हमने लोगों ने बनाई और उसको इंट्रोड्यूस किया एक्सपेरिमेंटल फील्ड में अलग अलग जगह पे हमने लगा दिया एक अपने खेत में लगाया तुम्हारे खेत में बी और सी के खेत में लगा दिया ठीक है द स्टडी वॉज कैरीड आउट टू विच ऑफ दीज थ्री स्पीशीज जो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है इस सबसे ज्यादा पेस्ट वॉज मोस्ट सबल ठीक है सबसे ज्यादा अति संवेदनशील जिसको बोला जाता है बोलाबिल का मतलब होता है किसके लिए मोस्ट मोस्टेबल है एंड इट इज प्रोडक्ट द पेस्ट वर अलाउड टू फीड ऑन द सेम जीन बूटी मेज क्रॉप क्रोन से लेकर के ई तक पूरा पूरा ये बना हुआ है देखो आप लोग खुद समझ जाओगे पांच फील्ड है हमारे पास में द ग्राफ शो क्या कर रहा है लीफ एरिया डैमेज बाय दिस थ्री पेस्ट सबसे ज़्यादा लीफ एरिया कौन सी स्पीशीज डैमेज कर रही है तो लेस ठीक है ये स्पीशीज़ जो थर्ड है इनकी वाली ये सबसे ज़्यादा घातक साबित हो रही है ये सबसे ज़्यादा लीफ एरिया को डैमेज करती हुई नज़र आ रही है सबसे हाइएस्ट इसने क्या है फोर्टी फाइव ठीक है एम एम स्क्वायर का एरिया खा लिया इसने लीफ का हमारी मतलब हरअल एक फील्ड से हमने लिया तो देखा कि सी वाली फील्ड में इस स्पीशीज़ थर्ड नहीं ये ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज पहुँचाया ये डैमेज दिखाई दे रही है हमें ठीक है इंसेक्ट पी रिकॉर्ड की गई गट की उनकी जो इंसेक्ट की 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 थी एक की 10 है, एक एक है 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 और ठीक है ये तो एसिडिक हो गई ये आपकी अल्कलाइन हो गई बेसिक हो गई ये हाईली बेसिक हो गई स्पीशीज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड समझते रहे ना एवेल्यूएटिक्रॉपीडिंग सबसे कम संवेदनशील जो हो रही है हमारा बीटी नहीं कर रहा है

PH ही चाहिए है इसकी प्रोटीन को एक्टिवेट होने के लिए बतानी पड़ेगी बच्चों so, हो जाएगा आपका ये बात पूरी बात लिख के ही आनी है लॉन्ग आंसर में तो कोई ये मत सोचिएगा कि नहीं ये छोड़ दें आता है आपको पता है आपको लाइन थी उसमें लिख के आइए यूजिंग द गिफॉर्मेशन सजेट वाई सिमिलर इफेक्ट नॉट सीन इन द्री इंसेक्ट स्पीशीज सेम इफेक्ट क्यों नहीं दिखा इंसेक्ट स्पीशीज फर्स्ट एंड सेकेंड है इसकी वाली एट है अल्कलाइन गट पी एच है इंसेक्टीसाइडल प्रोटीन ठीक है एंड मेक इट एक्टिव स्पीशीज थर्ड है उसकी सिक्स थी याद है प्रोटोक्सिन कंटिन्यूज इन द इनएक्टिव फॉर्म एंड नो हार्म इंसेक्ट स्पीशीज इसलिए उसने कोई फर्क ही नहीं पड़ा यानी कि जो भी जीन्स के अंदर जो गया था, ठीक है, जो भी प्रोटॉक्सिन गया था वो वैसी का वैसे ही रहा क्योंकि उसको एक्टिवेट होने के करता हूँ हो हो तो पूरा 100 परसेंट दिया किस कि कि तरीके से आपको ये लिखने थे, लिखने थे? क्योंकि पहले वाले वीडियो में मैंने सारे नहीं इसमें आप लोग स्क्रीन ले लें ठीक ले, है ठीक है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ओके okay, जब तक के लिए खुदा हाफिज़ अपना ख्याल रखिए बाय बाय